ये बवाल लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर हो रहा। जहां गुस्साई भीड़ ने खूब बवाल काटा और दूतावास में आग लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को पीछे हटा रही और आग को बुझाने की कोशिश कर रही। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लेकर अमेरिकी दूतावास के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ खूब नारे लगाए गए। दूतावास से अमेरिकी झंडे को भी हटाने की कोशिश की गई और फिलिस्तीन का फ्लैग लगाया गया। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है। फिलहाल ये जानकारी नहीं सामने आई है कि इस हमले में अमेरिकी दूतावास के किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचा है या नहीं। इस बीच अमेरिका ने अलर्ट जारी कर अपने नागरिकों से अपील की है कि वो लेबनान का दौरा करने से बचें। यही नहीं, अमेरिका ने दूतावास से अपने कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है। ये सारा बवाल गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद शुरू हुआ, जहां 500 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। इजराइल का कहना है कि ये हमला हमास या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने किया है। वहीं अरब देश इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा रहे हैं और यही वजह भी है कि लेबनान में लोग अमेरिका पर भड़क गए। अमेरिका का समर्थन इजराइल को है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं। खैर, ये बवाल कहां तक जाएगा इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर 500 लोगों की मौत से अरब देश इजराइल पर भड़क चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।